वेलकम टू S19 एजुकेटर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लोजी वर्ड। लोजी वर्ड में आपका लोजी होता है स्टडी के लिए, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो लोजी सब लगाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला वर्ड हमने लिया द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के स्टडी ऑफ फंक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं फिजियोलॉजी। द साइंस ऑफ द टेलिंग इवेंट बाय स्टार्स, तो एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी यानी कि स्पेस, यानी कि अगर एक ऐसी साइंस जो आपको कोई भी स्टार्स के इवेंट के बारे में बताता है। नेक्स्ट आता है हमारा द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, अगर कीड़े मकोड़े के अध्ययन के लिए बोला जाता है तो एंटोमोलॉजी। द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम द अर्लियर फॉर्म, जीनोलॉजी। जीनोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीनोलॉजी। द नेक्स्ट द स्टडी ऑफ लॉ, द स्टडी ऑफ लॉ का मतलब नॉर्मोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल पैलेंटोलॉजी, क्योंकि पैलेंटो का मतलब फॉसिल्स होता है, आपको पता लॉजी लगाया तो स्टडी के लिए। द स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमेना ऑफ लेक, लिम्नोलॉजी। द स्टडी ऑफ द फिजिकल फिनोमेना ऑफ लिम्नोलॉजी। द साइंस ऑफ द वेट, मेट्रोलॉजी। मेट्रो का मतलब होता है अगर किसी वेट वगैरह के लिए तो मेट्रोलॉजी होता है। साइंस ऑफ द टाइम, होरोलॉजी। साइंस ऑफ द टाइम, होरोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एथनोलॉजी बोलते हैं। द साइंस ऑफ द रेस मैनकाइंड एंड देयर रिलेशन एंड अनदर, यानी कि एक ऐसा विज्ञान जिसमें मानव जाति और उनके संबंधित चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं तो एथनोलॉजी बोलते हैं। द साइंस ऑफ द हैबिट्स, लिविंग थिंग्स इन द रिलेशन टू द देयर इन्वायरमेंट, तो उसको इकोलॉजी बोलते हैं। नहीं कि एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम किसी के भी गतिविधियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उनका आपस में पर्यावरण से किस प्रकार संबंध है, दैट इज़ नोन एज द इकोलॉजी। नेक्स्ट आता है हमारा द साइंस ऑफ द कॉज ऑफ द डिसीज़, अगर एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम साइंस के डिसीज़ के बारे में बात करें तो उसको एटियोलॉजी या एटियोलॉजी बोला जाता है। द साइंस ऑफ द मैनकाइंड एज एन एनिमल, अगर एक ऐसा विज्ञान जिसमें मानव जाति के बारे में या जानवरों के बारे में अध्ययन किया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। साइंस ऑफ द मैकेनिकल इंडस्ट्रियल आर्ट, यानी कि एक ऐसा विज्ञान जिसमें मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल आर्ट होता है तो उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी, क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी। साइंस ऑफ द ह्यूमन ब्यूटी इज़, अगर साइंस ऑफ द ह्यूमन ब्यूटी की बात करें तो कैलोलॉजी है। साइंस ऑफ द फिक्सिंग डेट, अगर डेट की अगर बात करते हैं तो क्रोनोलॉजी, आपको पता है क्रॉनिक डिसीज़ होता है, यानी कि शॉर्ट टाइम डिसीज़ को क्रॉनिक, यानी कि टाइम के बारे में हो रहा है। साइंस ऑफ द क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स के बारे में होता है, क्रिमिनोलॉजी बोलते हैं, क्रिमिनोलॉजी। द स्टडी ऑफ क्लाइमेट्स बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी। द साइंस ऑफ द ब्लड, अगर ब्लड की बात करें तो उसके लिए बोला जाता है हेमाटोलॉजी, और क्लाइमेट के लिए बात करें तो क्लाइमेटोलॉजी।